उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के प्रथम चरण में सबसे पहले नामांकन करने वाले कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, करीब 11 माह पहले पुलिस प्रशासन की ओर से सपा विधायक नाहिद हसन पर लगाई गई गैंगस्टर एक्ट के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ज्ञात हो कि दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने सबसे पहले सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल फरवरी 2021 में यूपी पुलिस ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन और उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। तभी से सपा विधायक नाहिद हसन मामले में वांछित चल रहे थे। शुक्रवार को सपा प्रत्याशी नाहिद हसन शामली कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे। इसके बाद आज शनिवार को कैराना पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान कोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। बता दें कि नाहिद हसन के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उन्हें कैराना से हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड तक कहा जाता है। सपा की लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा नेताओं ने नाहिद हसन को टिकट दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। नाहिद हसन के खिलाफ जमीन खरीदने के मामले में भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। शामली की विशेष अदालत ने नाहिद हसन को भगौड़ा घोषित कर रखा था। हालांकि नाहिद हसन ही कैराना से सपा के निवर्तमान विधायक हैं, जबकि उनकी माँ तबस्सुम हसन कैराना से ही सांसद रही हैं। उल्लेखनीय है कि लंबे समय तक फरारी के बाद विधायक नाहिद हसन ने पिछले साल ही जनवरी में अदालत में सरेंडर भी किया था। इसके बाद वो एक महीने तक जेल में रहे और जमानत पर बाहर आ गए। हालांकि इसके बाद फरवरी 2021 में यूपी पुलिस ने नाहिद हसन और उनकी माँ तबस्सुम हसन समेत 38 अन्य पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। अब देखने वाली बात यह है कि अपने प्रत्याशी को लेकर अखिलेश यादव क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिस समय मैंने स्मार्ट विलेजेस बनाने का काम किया था, वहां पर पायलट प्रोजेक्ट में कई गांव में आरओ मशीन लगाई थी, और कई गांव ऐसे हैं, सोनभद्र है, उन्नाव है, रायवली, जिसमें किसी में फ्लोराइड ज्यादा था, किसी में आयरन ज्यादा था, और आयरन और फ्लोराइड के ज्यादा होने की वजह से कई बीमारियां होती, हड्डियों को टूट जाना, बाल गिर जाना, आईसाइट का कमजोर होना। तो वहां पर आरओ मशीन लगाना शुरू कर दिया था, और कुछ जगह ऐसे पायलट प्रोजेक्ट स्कूल में आरओ की बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी, एक्वागार्ड कंपनी उसने आरओ मशीन लगाई थी। तो जहां पर शिकायत है पानी को लेकर के, वहां पर जरूर इस तरह का शुद्ध जल देने का इंतजाम होना चाहिए। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि नौजवानों, साथ आइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लोगों के साथ खड़े होइए, डेवलपमेंट के साथ खड़े होइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, ऐसी पार्टी ऐसी सरकार के साथ आइए जो लोग